सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। की खबर चलन तो बाद नगर निगम तुरंत हरकत चाया, जिस तो बाद नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारी सीवरमैन और दमकल विभाग का जिहड़ा हैगा कोरोना टेस्ट करवाना शुरू कर दिता। तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच असी इस टाइम दमकल विभाग के जिहड़ा मेन हैड ऑफिस है उत्थे खड़े हैं। जिहड़े दमकल विभाग के कर्मचारी है उन्हां दा कोरोना टेस्ट किया जा रहा, उन्हां दे नाल नाल जिहड़े सफाई कर्मचारी सीवरमैन है उन्हां दा भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। नगर निगम के मेयर हैगे उन्होंने वार्ड नंबर 28 के जिहड़े पार्षद हैगे है बलराज ठाकुर जी उन्हां दी इत्थे ड्यूटी लाई है कि उन्हां दी देखरेख दे विच इह जिहड़ा टेस्ट है उह किया जाएगा। बलराज जी, अज नगर निगम इत्थे नगर निगम के फाइव ई ग्रेड के दफ्तर के अज मुलाजमान का कोरोना टेस्ट किया जा रहा, की कहना तुहाडा? जिहड़े फील्ड दे विच काम करते हैं असी उन्हां सारयां दा टेस्ट कराने का साडा टीचा है और हैल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी वालों जी शुरुआत की है। मेयर साहब ने भी सानू कहा सीगा भी असी जिहड़े फील्ड के बंदे काम करते हैं उन्होंने कवर करिए। तो असी कल माल्टन जोन के इंस्पैक्टर वाइज सैनिटरी इंस्पैक्टर वाइज असी काम शुरू किया और कल 6 वार्डा के जोड़े बंदे उन्होंने आके टैसट कराया और जसल साहब का भी उन्होंने अपना भी टैसट कराया और यह फैसला किया भी अभी फायर ब्रिगेड में भी कवर करिए क्योंकि ये फील्ड ये बंदे भी अज सैनिटाइजेशन का काम कर रहे और फील्ड के घूम रहे हैं और अज जे फायर ब्रिगेड के बंदे और सैनिटरी इंस्पैक्टर सोनी गिल के जोड़े उन्होंने को वार्ड है उन्होंने बंदे भी अज जे है ये टैसट करवा रहे हैं। ये मुहिम असी शुरू की है कि जोड़ा ग्राउंड लैवल से काम कर रहे हैं जोड़ा अज इस टाइम के जो सारे लोग अपने घर सेफ है महसूस करते हैं वो इन्हों करके महसूस करते हैं सेफ क्योंकि ये फील्ड के काम कर रहे हैं। अब शहर सफाई की व्यवस्था हो रही है, शहर च छिड़का हो रहा, दवाई का छिड़का हो रहा, यह सारा काम जोड़ा है सारे सहयोग न अब पुलिस जी मुलाजम जोड़े है सड़कों के उत्ते खड़े है और साड़ी ड्यूटी भी बनती है बींग ए कौंसलर बींग ए चेयरमैन कमेटी हैल्थ एंड सैनिटेशन और मनदीप गिल मनदीप जसल जी। मुहिम है अज लगातार जारी है कि सिर्फ अज का दिन है? नहीं नहीं, ये मुहिम लगातार है और मंडे नू गढ़ा जोड़ा जोन के सैनिटरी इंस्पैक्टर है उस वे 4-5 वार्ड जोड़े है उन्होंने भी टैसटिंग रखी है। जिस तरह ये टीम जी है उस बड़े लैवल के उत्ते काम कर रही है और कई जगह पर इन्हें टीम को होर भी कितने जाना पैंदा फिर भी असी इन्होंने धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर हरीश भारद्वाज जी नोडल अफसर है बड़ा वधिया कोऑपरेट करते पे है और विचकार कितने कितने टीम गैप पै सकता है और प्रेस वाले का भी तुहाडा भी इन्होंने शड्यूल बनाया है और इस करके ये टीम नू कुछ 1-2 दिन का गैप भी पै सकता है। शड्यूल जिहड़ा है सारा जिहड़ा शहर के स्वीपर्स है और सीवरमैन है उन्होंने सारयां दा ये जिहड़ा टैसट असी करना क्योंकि ये लोगों ने इनवॉल्व है कूड़ा चुकते हैं उत्थे भी कितने संभावना होंदी है इस करके असी जिहड़ा टैसट सारयां लई करांगे। ये मुहिम नू असी सारे शहर के कुछ दिनों कंप्लीट कर देंगे। सर ना जसल जी भी है जिहड़े इत्थे दे चेयरमैन है, जसल साहब अज टैसट किया जा रहा की कहना? मैं कौंसलर मनदीप जसल वार्ड नंबर 10 रावा मंडी तो 10 चेयरमैन फायर ब्रिगेड कमेटी जलंधर क्योंकि असी तो जद दे साडे आह करोना का जो कहर आ पूरे देश दे विच आया तो साडे भारत देश दे विच भी एंट्री हुई है उस दिन तो जिदन लॉकडाउन होया साडे देश दे प्रधानमंत्री साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री ने बड़ी सख्ती दे नाल इहनू लागू किया उस दिन तो साडा जिहड़ा फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट आ उदन दा मैदान दे विच आ जी। साडे नौजवान मुंडे आ जिहड़े अनमैरिड आ जिहड़े फायर ब्रिगेड दे ड्राइवर भी आ जां फायरमैन आ इह दिन रात लगे आ सेवा दे विच और मैनू भी महसूस होया कि इह जिहड़े आ ना कि साडे योधे आ और इन्हां नू पूरा माण सत्कार इन्हां दा मिलना चाहीदा। मैं पहली तो यही मंग करूँगा सरकार को जिथे साडे दूजे मुलाजमान का 50 लाख का जिहड़ा बीमा किया गया आ क्योंकि ये भी साडे योधे आ दिन रात उत्थे लगे पए आ जिथे कोई पेशेंट आउंदा आ जो उत्थे सब तो पहला सैनिटाइजर साडी क्रीम करन पहुँचती आ डॉक्टर साहिबान पहुँचते आ जिथे डैथ दे केस आए आ उत्थों जिथे भी बहुत जगह तुहानू पता शहर च डिस्प्यूट भी होया इन्हां करके संस्कार करन तो उत्थों साडे पहला सैनिटाइज जिहड़ी टीमां साडी फायर ब्रिगेड उत्थे जाके इन्हां ने पहला सैनिटाइजर साडे कीता एरिए नूं शमशान घर सारा सैनिटाइजर किया तो फिर जाके जरा संस्कार का शुरू होया।
एक महीने तो ज़्यादा हो गया लॉकडाउन हुए जी, एक महीने तो ज़्यादा हो गया लो मुलाजमान सैनिटाइज़ करते हैं, ठीक है जी। दैनिक सवेरा ने खबर चलाई कि मुलाजमान का जरा है टैसट जरूरी है, एक महीने बाद नगर निगम जाग गया। असी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि तुहाडे माध्यम तो भी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत सानू नॉलेज हुई है। तुहाडा बहुत बहुत पहला धन्यवाद। तुसीं मुलाजमान के बारे भी अपने मन के विच दर्द है, असी भी उस दिन तो लगे पाए हाँ। असी कमिश्नर साहब नूं मैं चेयरमैन होने के नाते भी असी साडे जी सी साहब आ हरचरण सिंह जी, पहले जी सी साहब बदल गए थे, हुण हरचरण सिंह नूं आए जिहड़ा जुम्मा मिले इत्थे दा इंचार्ज आ, उन्हां दे ध्यान दे विच लै के आंदी आ। उह कहिंदे सी असीं जल्दी तों जल्दी इहनां नूं वी जिहड़ा उहदे विच ऐड करन दे पूरा प्रोसैस कर रहे हां। और दूसरी गल जिहड़ी आ कि इहनां जिहड़ा 10 लाख दा सिर्फ उह इहनां दा एक्सीडेंट जिहड़ा इंश्योरेंस उह इहनां दा हो चुक्या, पहले उह वी नहीं होया सीगा, उहदे विच कोई दिक्कत सीगी, टैक्नीकली कोई दिक्कत सी, उन्होंने भी दूर किया गया, वह भी इन्हों का हो गया आ। हूँ जो 50 लाख का वो तकरीबन वह भी इन्होंने जल्दी ऐड कर दिता जाऊँगा। तुसी बीमे की गल करती है, टोटल 82 मुलाजम है, 82 तो विचों अद्धे तो ज़्यादा कच्चे मुलाजम है जिन्हें एक महीने की सैलरी भी बड़ी मुश्किल ना मिली, वो बारे की कहना, क्योंकि एक महीने की जिनी सैलरी मिली है ना वो गुजारा नहीं चल रहा। देखो जिहड़ी गल का पता लगा से उन्होंने पूरा हजे ऑफिस बंद रहन ना जां कई डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम रहन ना उन्होंने हजे तकरीबन इन्हों 8-9 हज़ार रुपये इन्हों के खातों के पा दिता, पूरी सैलरी नहीं पाई। पर जिदा ही आह लॉकडाउन खत्म होंगे असी इन्हों की पूरी आवाज़ चकेंगे, जोड़े कच्चे मुलाजम आ असी उन्होंने पक्के करने का पूरा यतन करा, और जोड़े आ फिर असी इन की जी रही सैलरी आना प्रॉपर मिलूंगी। हजे पूरा देश जोड़ा इस मतलब तुम्हें भयानक बीमारी लड़ रहे हो, जो तुम भी हाँ साढ़े साथी हो, साडा सारा स्टाफ आ, असी देना नहीं दे सकते, ये साढ़े योधे आ, इन्हों सम्मानित भी किया जाऊँगा, इन्हों का बनता जो माण सत्कार वह भी किया जाऊँगा, इन्हों सम्मान मतलब ये हौसला दिता जाऊँगा कि जे तुसी ये लड़ाई लड़ी आ कि असी इस एरी डिपार्टमेंट चेयरमैन होने नाते साडे मेयर साहब साडे MLA साडे कमिश्नर साहब इन्हों सद के सम्मानित किया जाऊँगा योधियां नूं। ये इदां तां नहीं होगा, ये गल्लां च रह जाऊगा? नहीं नहीं, असी इहनूं पूरा इंप्लीमेंट करके दिखावांगे जी, तुसी वी साडे साथ होवोगे नाल। जे गड्डियां दी गल करिए, गड्डियां दे की हालात है? गड्डियां दा जो इस टाइम आ जे सच्चाई जाणो कि साडा छोटा हाथी आ वो पिछे लगा पिया आ, छोटा गलियां दे जांदा सीगा, उहदे जिहड़े पंप आ ये ओनली जी एक फायर जी पानी की शुरू से बहुत काम दिता, बहुत काम दिता जेडे ये फायर पानी वास्ते जी सर्विस आ, जिदा शहर के कोई भयानक अग लग जाती है जां उस वास्ते साडी ये योधे आ, तुहानू इहदा पता ही उस वास्ते है साडा काम। पर इस भयानक बीमारी मुख रखते हुए साडे शहर के सेफ्टी मुख रखते हुए असी इन्हों पूरी अपील की इन्हों कि आप शहर की लड़ाई जी आप अगे होकर लड़नी है, इन्हों के मोढ़ियां ते भार पाया इन्होंने अगे होकर उन्होंने कामयाबी किया आ। और क्योंकि ये जो कैमिकल पैंदा आ पंप जड़ा पंप ये तकरीबन जोड़े काफ़ी गड्डिया का नुकसान पहुँचा आ, जो कैमिकल स्ट्रोंग बड़ा आ कितने ओनली पानी ने चलना पंप वे जो जो कैमिकल मिक्स हो जाना आ तो पंप को नुकसान करता है। कि जिन्या गड्डिया है 50% डेड हो चुकी तकरीबन को जी मेन चलती हरी 4 गड्डिया रैगूलर ही है, वो तो दिन राइट बाहर ही रखी सी, कुछ आप एमरजेंसी शहर वास्ते रखिया सगिया, जिहड़ियां बाहर चलदियां सी तकरीबन वो साडियां 50% जिहड़ियां वो पंप जिहड़े उन्हां दे खराब हो चुके आ। तो असी यही हुण अज तो यही जिहड़ा असी निर्णय लिया आ कि जिहड़ा काफ़ी सैनिटाइज शहर दे विच हो गया, जिथे कोई रह गया सी उन्हां नूं कौंसल साहिबानां नूं असी छोटियां मशीनां भी हत्थ वालियां देतियां आ, चार्जिंग वालियां जिथे कोई गली मोहल्ला उत्थे कर सकदे आ। असी इन्हां नूं ये चाहुंदे आ कि असी साडा बाकी गड्डियां खड़ियां करवा के एक एमरजेंसी गड्डी रखी जाए जिथे परमात्मा ना करे कोई शहर दे विच पॉजिटिव केस होंदा सिरे उत्थे अगे कणकां दा सीजन भी चल रहा, खुदा ना खास्ता कोई वड्डा हादसा वापर गया, गल्लां नूं मुख रखदे होए कणकां दा सीजन आ जां परमात्मा ना करे कोई शहर दे विच कोई दुर्घटना हो जावे उहनूं मुख रखदे होए असीं गड्डियां नूं इहनां नूं बेनती कीती कि आपां गड्डियां हुण इहनां नूं आपां शहर दी सेफ्टी लई बस रखणा आ, सैनीटाइजर जिहड़ा हुण असीं प्राइवेट मशीनां नाल जां ट्रैक्टर नाल उहदे वास्ते जिहड़ी उहदी तैयारी करनी पैणी। जिद्दां तुसीं दस्सिया कि गड्डियां सिर्फ एमरजेंसी लई जाऊगियां, अगर किसी का फोन आ जाता कि गड्डी उत्थे भेज दो सैनिटाइज करवानी उद्दा जाएगी या नहीं जाएगी? असी अज्ज दी दिहाड़ी है जी, कल तो असी मैं तुहाडे माध्यम राही असी उन्हां नूं अपील करांगे कि जी कि तुसी साडे ये भी उदन के जिहड़े अफसर दिन रात साडे मुंडे जिहड़े काफ़ी बीमार भी हो गए असी उन्हां नूं थोड़ी जी रैसट देना चाहुंदे हां, क्योंकि बनदी भी है, हाँ बनदी भी है, क्योंकि असी उह चाहुंदे हां कि उह भी मामा दे पुत आ भैणा दे भरा आ परिवार उन्हां दे भी उन्हां नूं भी कुछ थोड़ी रैसट दी जाए, इंसानियत तौर पर अपना फर्ज बनता है, एक महीना उन्होंने बह के नहीं देखिया गलियां सड़कां ते रहे आ, पर इंसानियत दे आपां तौर ते आपां शहरदारी आ साडे भैण भरा होण दे नाते ये मैं अपील करूँगा कि असी उन्हां नूं भी थोड़ी रैसट दी जाए। असी 2 गड्डियां एमरजेंसी रखांगे कि तो बहुत जरूरी ज़्यादा लोड पैंदी आ ते असी फिर उत्थे जरूर भेजांगे, नहीं कि असी हथ खड़े कर दिते आ, असी शहर की भी देखनी सेफ्टी और कोई दुर्घटना हो जाए उन्होंने मुख नज़र रखते सारे असी एंगलों से सोच के इनू असी यह जिहड़ा स्टैप लवांगे।
ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡਾ ਆ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਨਾਕੇ ਦੇ ਖੜੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਟੀਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੱਥ ਕਰ ਗਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਆਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਈਏ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੱਸਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਸਾ ਜੱਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇਣਾ, ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।